तो नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। आज फिटनेस विज पे हमारे सबसे बढ़िया चीफ गेस्ट मिस्टर कंगन साकिया हैं, और एक्चुअली ये वो शख्सियत है जिन्होंने 55 केजी पर स्ट्रेंथ मसल गेन शुरू किया था, और जब 69 प्लस हो गए तो अभी भी ये नहीं रुके हैं। मतलब बीइंग अ टीनेज बॉय, बीइंग अ टीनेजर, उन्होंने इतनी मेहनत, हार्डवर्क, डिसिप्लिन करी है तब वो स्टेज पे पहुंचे हैं। तो हेलो कंगन, मैं ऑडियंस को हाय बोल सकते हैं? बहुत रेस्पेक्ट दे दिया भाई। नमस्ते भाई, नमस्ते। अरे बहुत रेस्पेक्ट दे दिया भाई, भाई? इतना रेस्पेक्ट मिला ही अरे नहीं भाई, आप रिस्पेक्ट के हकदार हो। हमारी ऑडियंस को भाई हाय का तो जितने लोग देख रहे होंगे, नमस्ते सबको, नमस्ते को जो जो देख रहे हैं, और सबको नमस्ते भाई, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत मेहनत करते हैं भाई। थैंक यू, इसी में बोलना चाहूंगा। एंड अगेन मैं अगर इस वीडियो में कुछ बोलना चाहूं तो भाई ने बहुत मेहनत किया, मतलब भाई को टाइम ही नहीं मिलता जॉब से, तो अभी जो ये आप देख रहे होंगे पॉडकास्ट जो भी है, मतलब भाई को मतलब टाइम ही नहीं मिलता भाई। आते हैं 4 बजे, मतलब 2-3 दिन से तो हम लगे हुए कब करेंगे, लेकिन आज मौका मिल गया। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। चलो थैंक यू कंगन भाई, आपने रिस्पेक्ट दी। और आज के सेशन में हम बताना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को कैसे आपने इतने डिसिप्लिन के साथ पिछले 5 से 6 महीने में जो हार्डवर्क किया है, और आप लोगों क्या सलाह देना चाहते हो कि ज्यादा लोग टीनेज पे स्ट्रेंथ गेनिंग सब चाहते हैं, जल्दी बॉडी बन जाए, और आपकी इतनी स्टेड, इतनी वीक बॉडी थी, लेकिन आपने उसको भले ही जिम से हो, भले ही अच्छी डाइट से हो, भले ही एक सेट डिसिप्लिन और एक सेट पैटर्न पे हो, उसके बाद अचीव किया 69 प्लस वेट। मतलब बहुत होता है, मतलब 16-17 kg गेन करना काफी होता है मसल गेन। तो कुछ आप कहना चाहेंगे आपकी जर्नी के बारे में? श्योर भाई, मैं तो अभी भाई 17 साल का हूँ, आई एम 17 ईयर ओल्ड। एंड अभी मैं अगर आपको फिटनेस के बारे में बताने जाऊँ तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ठीक है। मैं भी आपको बताऊंगा, आप सबको मैंने जो सीखा है इस पीरियड में, मैं आप सबको वो सब ही बताऊंगा, लेकिन जो मैंने नहीं सीखा, नहीं जानता, ये सब मैं बताऊंगा भी नहीं। जो मैंने अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है और मुझे जिसका वजह सक्सेस मिला है थोड़ा वोरा, वो सभी शेयर करूंगा। एंड मेरा स्टोरी अगर आपको सुनाऊं तो मैंने जिम जाना शुरू किया था 2020 के अगस्त में, ठीक है। अभी आई थिंक 10 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। आप सक्सेस में काम करो तो कितना हो गए अगस्त से 2020 के? अगस्त से अगर हुआ सितंबर, लगभग 11 महीने आप मान के चलिए, 11 महीने नहीं हुए, 10 महीने हुए मेरे हिसाब से। अच्छा, अगस्त एंड में ज्वाइन किया था, चलिए आप अप्रोक्स 10-11 मंथ ले लेते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है, 11 मंथ्स हो चुके। मैं जब जिम गया था ना पहले, मतलब लॉकडाउन का टाइम था, मेरे को कुछ दोस्त थे, 5-4 दोस्त थे, दोस्तों ने थोड़ा सा एंगेज किया था, चलो भाई थोड़ा सा बॉडी चोडी बनाओ। मैं भी बहुत ज्यादा स्किनी था, पतला नहीं था, बहुत ज्यादा स्किनी था। एंड मन था यार थोड़ा सा बल्किंग, देखो सबका मन होता है यार इस एज में जिम जाने का, तो सबका मन होता है। लेकिन मैं गया, अगर सितंबर अक्टूबर तक मैंने जिम में ऐसे ही जाता था, मतलब दोस्त लोग जाते थे इसलिए दिखाने के लिए जाता था, मिरर के सामने फोटो खींच के सेल्फी स्टेटस में डालता था और दिखाता था भाई जिम। वो मतलब मेंटली मैं फिट नहीं हुआ था, मतलब मैंने कुछ सीखा ही नहीं था, मैं जस्ट जाता था आता था बस, मतलब सोचता ही नहीं था कि बॉडी कैसे बनाना है। अभी मेरा जर्नी जो शुरू हुआ, रियल जर्नी, वो अक्टूबर के महीने से शुरू हुआ, ठीक है। अक्टूबर के महीने भी शुरू नहीं हुआ, तभी भी मैं अक्टूबर के महीने मैंने ये सीखा, जिम जाने से ही नहीं होता, मेन जो बॉडी है हमारा वो किचन में बनता है, किचन में बनता है, हम जो खाते हैं वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। तो मैंने पहला तो चीज है, मैंने खाने में ध्यान दिया, मैं दिन में 2 बार खाता था, अभी तो मैं अक्टूबर से मैंने दिन में 3 बार खाना शुरू कर दिया। सुबह में रोटी खा लेता था, रात को मैं राइस खा रहा था, एज ए इंडियन सभी खाते हैं राइस, 2 बार खाते हैं मेरे हिसाब से, 3 बार भी खाते होंगे। और मैंने राइस 2 बार खाना शुरू किया, रोटी सुबह मैं रोज खाता हूँ, मेरा वो फेवरेट चीज है, आपका भी होगा सक्षम में। एंड बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अरे अभी मैं अगर बताऊं तो अक्टूबर में भी मेरा जिम का मेन करियर शुरू नहीं हुआ, मतलब फिटनेस का जो मेरा सीजन है, तभी भी मेरा वेट आप बोल सकते हो 58-59 kg था। दिसंबर के एंड में भी मैं, मतलब मेरा एग्जाम्स थे, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था, और मैं जिम इतना कंसिस्टेंसी के साथ जाता भी नहीं था। एंड अगेन मैंने आपको बताया था, मेरे साथ कुछ 5 दोस्त मेरे साथ गए थे जिम में, उन 5ों में से 2 तो 2 महीने में ही चले आए, मतलब 2 महीने के बाद उन लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है।
मतलब भाई मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, मेरा कुछ ऐसा है कि मैं जहां पे भी रहता हूँ ना, जब तक सक्सेस नहीं मिलता है मुझे, मतलब वहां पे घुस जाता हूँ। ये मेरा पर्सनल, आप भी जानते हो कि बिल्कुल मैं यूट्यूब में, जो मेरा कंगन ट्रैकिंग यूट्यूब चैनल है, मैं वहां पे तकरीबन 2 साल से ज्यादा हो गए। आपका जो चैनल था वो क्या नाम था आपका, फैक्ट टेक, वो 4 हजार हैकिंग, सब्सक्राइबर्स थे। आपने फिर से शुरू किया, लेकिन मैं अपने चैनल में अभी तक हूँ। मेरा जो फिटनेस बिल्कुल का जर्नी है वो जनवरी 2021 से शुरू हुआ, एंड जनवरी 2021 में मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे एक सर थे जो मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे एक्सरसाइज करना है। मतलब मैं कभी सोचता ही नहीं था कि कैसे डंबल्स उठाना है, कैसे, मतलब कोई, मतलब बोलता है ना आज चेस्ट डे है, कल लेग्स डे है, इसके बारे में सोचता ही नहीं था। मैं जस्ट खाने में ध्यान कुछ देता था और जिम जाता था, कुछ और कंसिस्टेंसी भी था नहीं। नहीं। जब जनवरी 2021 आया, मैंने आपको तो बताया कि खाना शुरू कर दिया ज्यादा, उसके बाद मैंने वर्कआउट में ध्यान दिया। मेन जो बात है ना सक्षम भाई, वो अभी भी बताना चाहूंगा, आप जिम जाइए या नहीं जाइए, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो फिलहाल तो मैं भी इतना कर नहीं पाता, बिकॉज आपको पता है अभी पढ़ाई का टाइम है मेरा, एंड एज यू नो आपका भी समझ रहा जॉब भाई। होता है, इसीलिए आप भी शायद। एंड मतलब क्या होता था, 2021 के जनवरी में मैंने F14 लेना शुरू कर दिया। वो मसल बेस का लिया था, कुछ 2000-3000 का F14 लेना शुरू अच्छा कर भाई, दिया। यहीं पे थोड़ा पूछना चाहूंगा, हाँ थोड़ा बताइए। सा बता सकते हो कि जो आपने प्रोटीन लिया था उसको आप एज अ पॉजिटिवली लिखोगे कि नेगेटिव लिखोगे, क्या देखो उस पे थोड़ा बताइए। देखो, प्रोटीन लेना यार गलत बात नहीं है। एज ए नॉर्मल पर्सन सभी को प्रोटीन लेना चाहिए, ठीक है? सभी लोग बोलते हैं, मैं ही नहीं बोलता। मैंने सब बहुत लोगों को देखा है कि लेते हुए, और बहुत लोग अच्छे अच्छे मतलब बड़े बड़े इन्फ्लुएंस है जो मतलब सही बताते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन लोगों ने बिल्कुल बताया कि एक नॉर्मल बिल्कुल। पर्सन को भी प्रोटीन लेना चाहिए। एंड मैं और एक चीज बताना चाहूंगा सभी को, अगर आप जो भी देख रहा है ना बंदा, आप कभी भी प्रोटीन ना मतलब वे अमेजोन फ्लिपकार्ट ये सबसे मत लीजिए, उनका ऑफिशियल वेबसाइट रहता होता है ना, जैसे मसल बेस का है, वहां से लीजिए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल बहुत भाई, डुप्लीकेसी होता है, मैंने देखा है। देखो गाइस, मैंने जो सीखा है मैं ये वो भी बता रहा हूँ, वीडियो के फास्ट में वही बता दिया वही था। एंड चाहिए टू भाई। बी ऑनेस्ट, आप वेबसाइट, डायरेक्ट वेबसाइट से लीजिए, आपको सही माल देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं अगर बिल्कुल सही आपका, कहा भाई। अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँ मैंने वेट गेन कैसे किया। देखो बॉडी का शेप, आप जिम जाते रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, पुशअप्स करते रहोगे। यहाँ पे सबसे मेन बात आती है वेट गेन कैसे किया। देखो मेरे काफी सारे दोस्त है, बोलते हैं कि जिम जाऊंगा बॉडी बनाऊंगा, बहुत सारी स्किन ये थे, मैं उन लोग का नाम नहीं लूंगा। सभी का मन होता है यार इस एज में जिम जाने का, बॉडी बनाने का। जो लोग स्किनी होते हैं उनको उनको भी मन होता है यार बॉडी बनाऊं, थोड़ा सा एडिक्टिव देखो। 100% एंड मतलब होता क्या था, मैंने वेट गेन कैसे किया, यहाँ पे ये यह बता रहा हूँ। मेन ये बात है, आपको, आप दिन में 2 बार खाते हैं तो खाना बढ़ा दीजिए, 3 बार खाइए, ठीक है? और एक चीज है, आपको पूरे दिन में मिनिमम 4 लीटर वाटर आपको खाना चाहिए, मतलब पीना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पीना चाहिए। वाटर ज्यादा पीने से बिल्कुल क्या होता है, हम जो भी खाते हैं ना वो सही सही डायरेक्शन में घुसता है हमारे बॉडी में, और टॉयलेट सही जाने है, की मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब हम टॉयलेट ज्यादा सही जाएंगे कह रहे तो हो वो तो भाई, निकल ही जाएगा ना। और बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसमें भाई। भी ध्यान दिया। एंड सबसे बड़ी से सक्षम भाई, कि आप जब खाना खाते हो ना, हम इंडियंस कहते हैं खाने के बीच में पानी बहुत पीते हैं, तो उसे डाइजेशन नहीं होता है ठीक से, ठीक है? एंड डाइजेशन भी नहीं बिल्कुल होता, सही पेट है में भाई, जाता भी नहीं है अच्छे से, बिल्कुल तो वो उसको भी ध्यान देना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ही मुझे लगता है, जो जो न्यू जिम में ज्वाइन करना चाहते हैं। और मैं वेट बिल्कुल गेन करने का भाई एक ही प्लान है भाई, यार ये मत सोचो कि जिम जाओगे खाना मत खाओगे तुम्हारा बॉडी बन जाएगा, वो बॉडी बनेगा लेकिन स्किनी टाइप बनेगा। अगर आपको बल्किंग देखना है तो खाना तो शेडेड पड़ेगा ही। है। हाँ खाना पड़ेगा भाई। इस पे मैं कहना चाहूंगा, कई बार कंकन भाई मैंने ये भी सुना है कि खाने के लगभग आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, ना हाँ खाने से एकदम सही पहले ना बात है, बीच सही में, बात और है। तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, हाँ और एक बात ऐसा है, सुबह आप कंकन। जल सुबह जल्दी उठ के भी पीना चाहिए खाली पेट में पानी, बिल्कुल, वन। आपने कंकन जैसी बात बोली थी, आपको हाल ही में याद होगा मेरे स्टोन्स हो गए थे, और हाँ शायद आई नो। ज्यादा प्रोटीन लेने की वजह से मैंने कम पानी पीना शुरू कर दिया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा नहीं नहीं भाई, बताइए। क्या ना, एक मैं बॉडी बिल्डर हूँ नहीं, मैं फिटनेस का भी कुछ हूँ नहीं, लेकिन मैं एज ए बिल्कुल पर्सन बताऊं तो पानी पीना, एज ए नॉर्मल पर्सन ह्यूमन हिसाब पे बता रहा हूँ, पानी इज नेसेसरी फॉर आस, पानी जो है पीना ही चाहिए। एक नॉर्मल पर्सन जो जिम भी नहीं जाता है वो 3 लीटर से ज्यादा पानी दिन में पीना ही चाहिए पानी, यार, ये पानी बिल्कुल बहुत सही। बेनिफिट है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, साफ पानी पीना चाहिए, पानी का हाँ भी यार क्वालिटी होता है क्वांटिटी होता है, तो सही कह जो रहे हो भाई, सही क्वालिटी कह रहे वाटर हो है भाई, उसको पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए।
आई अंडरस्टैंड ब्रो. अच्छा कंगन, अब दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं ये आपको पता ही है प्रीमियर होगा एक, तो हो सकता है उनके मन में कुछ सवाल हो. तो हम लोग अगर ज्यादा सवाल आते हैं तो पार्ट टू बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, एज पर ऑडियंस. अब जितने भी लोग देख रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज अब थोड़ा और ध्यान दे वीडियो में और प्लीज बने रहिए. देखिए कंगन, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जब शुरुआत में जिम जाना शुरू किया था तो कई कई बार ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी ने डीमोटिवेट किया? मोटिवेशन आप कहाँ से लाते थे कि नहीं भाई मुझे बॉडी बनानी है? मोटिवेशन मैं अगर बताऊं तो पर्सनली मेरा ऐसा है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा पर्सनल, मैं जिसमें घुसता हूँ तो घुस ही जाता हूँ. बाकी मतलब होता है क्या, डीमोटिवेट तो मैं हुआ था कि मुझे लगा था कि मैं अभी यार 16 इयर्स का हूँ, अभी आई थिंक मेरा हाइट भी बनना नहीं होगा, मतलब हाइट भी रुक जाएगा, ऐसा डीमोटिवेशन है. मुझे लगता था कि पढ़ाई में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब गलत अफवाह जो वायरल है सोशल मीडिया में, मतलब लोगों को मतलब दिमाग खराब कर देता है. लाइक हाइट नहीं बनना हुआ, पढ़ाई में मतलब मन नहीं लगता तुम्हारे, अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे जिम जाओगे तो. लेकिन भाई ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं. हाँ मेरे साथ हुआ नहीं. एंड मैं हर एक टीनेजर को बोलना चाहूंगा कि यार जिम जो है ना वो तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए मत जाओ, अपने फिटनेस के लिए जाओ. जिम इज मतलब फिट है मैं इसीलिए जाओ, ऐसा मत सोचो यार हाइट नहीं बढ़ेगा. हाइट इज मतलब हाइट एकदम जेनेटिक में डिपेंडेंट होता है, 90% जेनेटिक में डिपेंडेंट होता है, बाकी 10% आप एक्सरसाइज करके बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से, जो मैंने अभी तक मैं जानता हूँ. बिल्कुल ठीक कहा कंगन, चाहे वो आपकी बॉडी हो चाहे वो हाइट हो, कुछ कुछ की इतनी प्यारी नेचुरल बॉडी होती है, उनको ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत भी नहीं पड़ती, थोड़े से वर्कआउट के साथ वो बॉडी अच्छी बनाते हैं. और कुछ लोग जैसे मोटापे के शिकार होते हैं तो धीरे धीरे उनका जो फैट होता है बढ़ता जाता है. वेट को इंक्रीज करना भी इजी नहीं है, वेट को कम करना भी इजी नहीं है, दोनों ही काफी हार्ड इजी नहीं. बिल्कुल ठीक है. बाय द वे मैं बताऊं तो एक टाइम था जब मैं 3 अंडे खाता था सुबह, 3 नहीं यार 5 अंडे. अच्छा ओके ओके ओके, चलता ही है इतना ज्यादा नहीं, बताइए. अच्छा ये जो आप डाइट रखते थे थोड़ा इसके बारे में बताइए, जब आप, यही मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था कि जब जिम जाते थे तो क्या स्पेसिफिक डाइट फॉलो करने लगे थे पिछले साल के मुकाबले इस साल? जैसे आपने बताया मैंने जिम सीरियसली ज्वाइन किया, अभी यार मैं थोड़ा सा फिटनेस में सीरियस ही हूं एंड आई एम गोइंग टू प्लान, मतलब सोच भी रहा हूं कि फिटनेस का चैनल खोल लूं. एंड बिल्कुल भाई पता नहीं क्या होगा फ्यूचर इन फ्यूचर, अभी थोड़ा सा पढ़ाई में भी प्रेशर है इसीलिए सोच नहीं रहा इतना. एंड मैं अगर बताऊं ना, आप डाइट की बात कर रहे हैं ना, डाइट एंड यहाँ पे फिटनेस में सबसे इम्पोर्टेंट डाइट ही है एज यू नो. एंड डाइट मेंटेन करना इज नॉट इजी बिकॉज बहुत लोग एफोर्ड भी नहीं कर सकते 5 अंडे. यार मिडिल क्लास इंडियन क्या मतलब, एक अंडे का प्राइस अभी 7 रुपीज है, मेरे यहाँ पे तो 7 रुपीज है, ठीक है. तो मतलब रोज 5 अंडे खाना इज लाइक नॉट पॉसिबल टू एवरी वन, लोअर मिडिल क्लास के लिए है ना, मैं ये समझ सकता हूँ. सभी के लिए यार पॉसिबल नहीं, रोज चिकन खाना, रोज अंडे खाना, ओट्स खाने, है ना. नहीं लेकिन यार मैं उनको ये बोलूंगा कि आप जहां पे भी आपको मिल जाए खाना वो सब खा लीजिए, ग्रोस के यहाँ जाए कुछ देता है तो मतलब मना मत कीजिए यार, जो प्रोटीन वाली चीज होता है वो सब खाइए. लाइक बनाना, किसी आप दोस्त के घर जाइए तो वो अगर कोई लोग बोलते हैं कि बनाना खाओगे तो खा लीजिए यार. तो ऐसे ही मतलब मेरा डाइट का प्लान ऐसे भी चलता था बिकॉज रोज यार कौन अंडे अफोर्ड कर पाएगा इतने सारे. सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो कंकन. और कई बार लोग सप्लीमेंट्स के पीछे भागते हैं, वो भी काफी कॉस्टली पड़ता है भाई कुछ लोगों के लिए. देखो आपने बिल्कुल सही कहा, लोअर मिडिल क्लास अगर सोचना भी चाहेगा और अगर उसके पास जॉब नहीं है, टीनेजर है, स्टूडेंट है, तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होती है भाई बॉडी बनाने के लिए. अच्छा कंकन इस पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो डाइट का जैसे आपने बताया जो आपको मिलता था हेल्दी वो आप खा लेते थे, और इसमें हेल्दी चीजों का नाम लिया, दाल हो गई, प्रोटीन हो गई, सैलेड हो गया. दाल इज इम्पोर्टेंट, बिल्कुल दाल में बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है. लेकिन हम इंडियंस दाल ही दाल खाते हैं लेकिन इतना ज्यादा मतलब अभी मतलब जो छोटे एज वाले होते हैं वो दाल को ज्यादा इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते. मैं भी ध्यान नहीं देता था पहले, जब से यार पता चला है दाल में इतना प्रोटीन होता है और खाने से वो हेल्दी भी रहता है तो खाना शुरू कर दिया. ओके भाई. अच्छा कंकन, फिजिकल चेंजेस तो बॉडी में काफी आए आपके, ठीक है, जैसे मसल्स पंप हुई, आपकी चेस्ट बनी, हाइट इंक्रीज हुई, हाइट की बात करूँ ना, यहाँ पे बहुत लोग डिमोटिवेट, मतलब अभी का टाइम की बात करूँ तो सभी को हाइट ही चाहिए जो एज में रहते हैं 17 to 18, जिनका मतलब 6 फीट से जो नीचे है सभी को हाइट ही चाहिए. मेरे बहुत सारे दोस्त जिनको हाइट चाहिए, ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि 90% जेनेटिक है,
आप एक्सरसाइज करके भी ला सकते हो। अगर आपके मम्मी पापा नहीं, किसी किसी का आप लोग देखोगे कि किसी किसी का मम्मी पापा इतने मतलब छोटे हैं लेकिन उसका बेटा इतना बड़ा है, होता है ना किसी का? वो भी होता है भाई, होता है। वो भी मतलब फैमिली, मतलब उसके मम्मी का भाई बहुत बड़ा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, बिल्कुल। उसके दादाजी बड़े हो सकते हैं या उसके कोई चाचा, जेनेटिक। हाँ, जेनेटिक का मतलब है आपका पूरा परिवार, फैमिली। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब बहुत लोग ये समझते नहीं है। एंड अगेन मैं बोलूं तो हाइट जो है ना, जिम बनने से यार, जिम जाने से कम नहीं हो जाता, आपका हाइट बढ़ता ही रहता है मेरे हिसाब से, 20 इयर्स तक बढ़ता ही रहता है, कुछ बढ़ता ही है। बिल्कुल सही। अच्छा कंगन, मेंटल चेंजेस आपको क्या लगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया जिम जाने के बाद, जो चेंजेस आए? भाई मेन कॉन्फिडेंस तो है कि आपका बॉडी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है लुक में। एंड कॉन्फिडेंस की बात करूं तो कॉन्फिडेंस जो मेरे पास पहले था वही है, लेकिन फिजिकल चेंजेस आए थोड़ा सा। पहले थोड़ा सा मैं स्किनी था, तो अभी लोगों के पास जाता हूं तो बोलते हैं थोड़ा सा मोटा हो गया, बोलते ही ओके ओके, जो रिलेटिव बिल्कुल बोलते हैं भाई, थोड़ा सा मोटा हो गया। लेकिन यार इतना भी मोटा नहीं हुआ, लेकिन यार बात है कि फिजिकल चेंजेस आ ही जाते हैं अगर आप डाइट मेंटेन करो और जिम जाओ तो। जिम से नहीं है, डाइट मेंटेन से आता है। मैं जिम की बात यहाँ पे करूंगा ही नहीं, फिजिकल चेंजेस इज ऑल अबाउट डाइट, डाइट मैं पर्सनली मानता हूँ। अब देखो आप सुबह दौड़ोगे, ऐसे कुछ पुशअप्स मारोगे तो वो आपका जिम जैसा हो ही जाता है। बिल्कुल सही कह रहा। अच्छा कंकन, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और आपके पास आता है, ये काफी हाल ही में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है सब्सक्राइबर्स द्वारा भी, और कि जिम वर्सेस होम वर्कआउट पे थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे लॉकडाउन में जिम बंद हो गए तो लोग घर पे भी करने लगे, कुछ लोगों ने छोड़ दिया। नहीं भाई, घर में अगर आप जिम करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो, पुल बार वो मतलब मिलता है ना, एज ए हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ऐसा। फ्लिपकार्ट में मैंने अभी वो लॉकडाउन के तक खरीदा था, एक पुल बार मिलता है, उसके बाद मिल जाता है। अभी तो 1700-1800 रुपए में डंबल्स मिल जाते हैं, अच्छा खासा डंबल्स मिल जाते हैं, तो मतलब अच्छा खासा डंबल से काफी सारे वर्कआउट हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से होम वर्कआउट तो काफी ज्यादा बेस्ट है जिनको टाइम नहीं मिलता है जिम जाने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड उनके लिए मतलब ये कि वर्कआउट करे तो एकदम सही ढंग से करिए, मतलब कीजिए। हाँ। और प्लस डाइट को मेंटेन रखिए, डाइट को सीरियसली लेना है भाई, और आपका बॉडी आराम से बन जाएगा। चलिए, ये बहुत प्यारी बात बोली आपने, बहुत बढ़िया बात, और ये एक मोटिवेशनल बात भी है कि जितने लोग कंफ्यूज थे भाई लॉकडाउन हो गया, जिम बंद हो गया, क्या किया। अभी थोड़ा सा वो डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज अभी तो टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास भी मेरे पास भी। हाँ भाई बिल्कुल, जो मेन मुद्दा है उस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा भाई बताइए। हाँ, वो अभी क्या है ना, अभी के लोगों को मैं देख रहा हूँ बहुत सारा मतलब डिप्रेशन है, एंजाइटी बहुत ज्यादा कॉमन है। मैं तो जानता हूँ कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है ज्यादा लोग देखने वाले तो है नहीं, बिकॉज हमें कोई जानता भी नहीं, जानते भी नहीं, लेकिन हम कोई 2-3 बंदे को भी यार मोटिवेट कर सकते तो काफी अच्छी बात होगा हमारे लिए। काफी अच्छी होगी भाई, बिल्कुल सही कहा, यही चाहिए हमारे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप डिप्रेशन के बारे में आप क्या बोलेंगे सक्षम भाई? भाई मैं तो ये बोलता हूँ कि ये फेज हर बंदे की जिंदगी में आता है, और एवरी इंडिविजुअल हैज दिस फेज, और टीनेज में तो सबसे ज्यादा रहता है। या भाई मुझे ये लगता है ना, डिप्रेशन क्यों आता है पता ही, हम लाइफ को ज्यादा मतलब कभी कभी मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे कभी कभी शाहरुख खान बनना होता है, मतलब लगता है कि शाहरुख खान बन जाऊं 17 साल के एज में, सलमान खान बनना है, किसी किसी को लगता है ना, एलन मस्क बन जाऊं। बिल्कुल भाई बिल्कुल लगता है। सबसे बड़ी चीज है ना, परफेक्शन के पीछे भागते हैं हम सब, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट हो जाए भाई, ये बनना, इतना लाइफ परफेक्ट लाइफ जी रहा है, हम भी परफेक्ट लाइफ जिए, तो परफेक्शन के पीछे भागते, इसीलिए डिप्रेशन में जाते हैं। बिकॉज अगर वो काम, अगर आप एक काम सोच रहे हो कि आज मुझे कहीं पे जाना है, वो अगर हो नहीं पाता है तो आप तो थोड़ा सा मतलब दुखी हो गए हो ना। तो मतलब मैं मतलब बात ये है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये एकदम सही कहा कि जरा सी भी फेलियर आती है और परफेक्शन से दूर भागते हैं तो हम डिप्रेस होने लगते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं कि लाइफ में चल क्या रहा है। आप इससे बाहर आने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे, या जो आपको लगा कि कभी आपकी लाइफ में ऐसा फेज आया हो और आप कैसे निकले? नहीं नहीं भाई, डिप्रेशन तो आया है, सभी के फेज में आता है, किसी को गर्लफ्रेंड चाहिए, हमारा तो ऐसा है ही नहीं ख्याल। लेकिन मतलब डिप्रेशन बात करो ना, ये थोड़ा सा मजाक था, ठीक है, उसको सीरियसली मत लीजिए। अभी मैं डिप्रेशन की बात करूँ ना, दिस इज ए मेजर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। अभी मैं अगर बताऊँ तो फिटनेस के बारे में, किसी किसी लोग डिप्रेशन एंजाइटी में इस में जाते हैं, मैं ये बात बहुत लोग बोलते, मुंह से बोलना भी पसंद नहीं करते, ये है भाई मास्टरबेशन। मुझे गलत लग रहा है, लेकिन यार भाई मुझे लगता है कि इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहिए। इस एज के जो 17 से 24 ईयर्स के बीच में रहते हैं,
लोग इसके वजह से भी जाते हैं, सभी को लगता है कि यही है कि जिंदगी में और कुछ नहीं है, बिकॉज इसमें जो लोग घुसते हैं तो बहुत सीरियसली घुस जाते हैं, और निकलना यार इतना ज्यादा इजी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हो, एक लत है जिसके पीछे अगर इंसान पड़ गया तो फिजिकली मेंटली अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये तो एक चीज, चलिए आपने बहुत हिम्मती और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये टॉपिक उठाया, और मैं विश करूंगा कि भाई ये जो टॉपिक है ना, हमारे सारे इंडियन पेरेंट्स को बच्चों के साथ बात करना चाहिए, बिकॉज ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो लोग मुझसे बोलना भी नहीं चाहते यार, मैं थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन कोई बात ही नहीं करना चाहता इस सब के टॉपिक के बारे में, इसीलिए तो यार बुरा लगता है यार थोड़ा, ये थोड़ा बुरा लगता है, इसीलिए कहीं इस चीज की कमी भी है हमारे यूथ के अंदर। लेकिन यार मेरे हिसाब से अभी टाइम के साथ ये ठीक हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि अभी के यूथ काफी ज्यादा मतलब टैलेंटेड है, बहुत जानते भी है। टैलेंटेड भाई, सोशल मीडिया का अगर सही इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से सही हो सकता है। आप भी तो डिप्रेशन के बारे में बात की थी ना, वो सोशल मीडिया से होता है। सोशल मीडिया में भाई, भाई सोशल मीडिया में मैं अगर बात करूँ ना, मेरा अभी इंस्टाग्राम में यूज नहीं करता, मेरा ओनली ट्विटर है, इंस्टाग्राम भी यूज नहीं करता है, मैं फेसबुक भी यूज नहीं करता। क्यों यूज नहीं करता मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो टेक्निकल गुरु जी है गौरव चौधरी, वो भी ये बोलता है कि सोशल मीडिया में जो लोग पिक्चर क्लिक करके, अभी हम मतलब आजकल का समय भाई सक्षम भाई कैसा बन गया है ना, लोग घूमने भी जाते हैं ना उसको एंजॉय नहीं करते, सेल्फी डाल के स्टेटस डाल दिए और देखते रहते हैं किन लोगों ने देखा किन लोगों ने नहीं देखा, उनका माइंड वहां पे रहता है मेंटली सोशल मीडिया में। अगर आप यहाँ पे आसाम में शिलोंग में आइए, ठीक है, आइए एक सोशल मीडिया एडिक्टर आके क्या करेगा, पहले वीडियोस लेगा फोटोज लेगा, उसके बाद नेचर को एंजॉय करेगा। लेकिन सही कह रहे हो भाई, मतलब एक बहुत गलत चीज है, मतलब हम सोशल मीडिया में आप किसी को एक काफी खुश रह के फोटो क्लिक करके आप देखेंगे ना, वो रियलिटी नहीं होता, उसके बैकवर्ड लाइफ में बहुत अलग ही कुछ चलता रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, बहुत सही बात बोली आप। हंस के सेल्फी लेके आप सोशल मीडिया में अपलोड कर दीजिए, उसके बाद बैक साइड का जो रियलिटी होता ना वो काफी ज्यादा गंदा होता है, जो लोगों को कभी वो शायद हमारे और वो हमारे अंदर होता है, हम लोग उसको छुपाते हैं लोगों से। हाँ, सही में, सही में, सही में। तो कंकन, आज तो काफी आपने बहुत इम्प्रेसिव बात करी है, बीइंग अ टीनेजर आल्सो, फिटनेस पे आपका पूरा ध्यान है, मेंटली फिजिकली बोथ आप स्ट्रांग हुए, और माशाल्लाह आपकी बॉडी बहुत अच्छी लग रही है भाई। अरे नहीं भाई, नहीं क्या ही बोले, अरे और ये चेंज जो आया है भाई, मैं खुद आपको जानता हूँ पिछले 1.5 साल से काफी कुछ चेंज आया है, और यही चीज थंबनेल में भी हमारी दिखेगी, जितनी ऑडियंस देख रही भाई, इनके जितने क्वेश्चन होंगे, हो सकता है एक विश करूंगा मैं एक नया सेशन कर सकूं आप पे, और जैसे कि आपने मास्टरबेशन डिप्रेशन बोला, इस पे आप एक नया सेशन रख सके, अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा आया, और लगभग इसमें 20 लाइक के ऊपर मिलते हैं हम, ठीक है, मैं 20 ही लाइक बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई कम से कम इतने लाइक मिलेंगे तो एक टारगेट सेट होगा। और कंगन, और मैं ये भी बताना चाहूंगा, जो आपका चैनल है कंकन टेकन, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको भी फॉलो कर सकते हो, जितना टेक का सब्सक्राइब खुद कर देंगे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मेरे सब्सक्राइबर्स आपके सब्सक्राइबर्स भाई, टेक से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है आप उन तक पहुंचा सकते हो। आप मेरे लिए बोल रहे थे कि मैं बिजी रहता हूं, मुझसे ज्यादा आप मेहनत करते हो भाई, आप एक स्टूडेंट हो, उस लाइफ को आप जीते हो। वीडियो के लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, किसी को लगता है ना स्टूडेंट लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सोचते ही नहीं। और अबे मतलब उतना ही करो जितना आप कर सकते हो, लेकिन करो भाई यार, पढ़ाई इज नॉट द इम्पोर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है लेकिन सीखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी नया सीखोगे तो मतलब आप आज गिटार सीख रहे हो, जिम जा रहे हो, तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है आपको, मतलब वो सीखो, आप जितना नया सीखते रहोगे ना, अब इतना ही टाइम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। लोग डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब लोग अकेलापन रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ओनली सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, तब डिप्रेशन में जाते हैं ना। वही बात है भाई, बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत अच्छी बात आपने जाते जाते ही बोली। और कोई ऑडियंस को आप मैसेज देना चाहोगे एक 2-3 लाइन में? भाई मैसेज तो ऐसे में क्या बोलूं, मैसेज का मतलब यही है कि भाई जो भी आपको लगता है भाई, मोटिवेट रहो सभी, एंड अपने लाइफ में यार बिजी रहो, सबसे इम्पोर्टेंट है बिजी रहो, जो भी करो लेकिन बिजी रहने की कोशिश करो अपने आप को, मतलब लाइफ जो है ना काफी, आप लाइफ को ऐसे तरीके से देखो यार, लाइफ जो है ना काफी छोटी है, इसको एंजॉय करो यार, सोशल मीडिया ये सब बहुत ज्यादा आजकल यार, सोशल मीडिया एक वायरस बन चुका है,
और या स्टेटस डालना, पहले लाइफ में स्टेटस बनाओ उसके बाद डालो आराम से। बिल्कुल सही कहा, पहले लाइफ में स्टेटस बनाओ उसके बाद स्टेटस। नहीं चलिए कंगन कुछ ज्यादा काफी कुछ ज्यादा नहीं, बिल्कुल सही बोला, काफी काफी अच्छा सेशन रहा ये आपके साथ। और इसी के साथ मैं जितने भी ऑडियंस देख रही है उनको शुक्रिया करूंगा और बोलूंगा कि कंगन भाई को भी सपोर्ट करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ऐसे ही फिट रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें। और एक सीख जरूर लें इस वीडियो के थ्रू कंगन भाई से। और हैट्स ऑफ है भाई आपके, जितने भी आपने इम्प्रेसिव बातें बोली आपने, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर चैनल। और आई विश आप भी सक्सेस हासिल करो लाइफ में, अभी 69 प्लस हो और मसल गेन करो, ऐसे ही लगे रहो, हार्ड वर्क करो, मोटिवेट करो, देखते हैं कितना आगे तक जाओ। बिल्कुल, और मोटिवेट रहो और भाई मोटिवेट करते रहो। मोटिवेटेड रहना है तो बिजी रहो भाई सब। बिल्कुल भाई, मोटिवेटेड रहना हो सके भाई अपने आप को बिजी रखो, आप मोटिवेटेड ऑटोमेटिक भाई, मोटिवेशन जो आता है वो बिजी रहने से आता है। सही कह रहे भाई, ये सिगरेट है भाई, टॉप सिगरेट है। ठीक है भाई, अभी तो आज के लिए टॉप सीक्रेट हमारा यही है। चलिए कंगन भाई, अब हम अपने ऑडियंस से बोलेंगे कि हम, हाँ, थैंक यू कंगन भाई, थैंक यू ऑडियंस और जितने भी लोग देख रहे हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा, और जल्दी मिलेंगे सेकेंड पार्ट में, अगर आपने कहा 20 लाइक के ऊपर। ओके भाई।